तो आ ही गए जनाब, बड़ी जल्दी आ गए। अरे उस वक्त आते जब हमारे सिर पर सहरा बन जाता। हाँ नाराजगी तो होगी जो हमने अपनी मोहब्बत की बातें आप सबसे छुपा कर रखी। यार छुपाना नहीं था लेकिन एक डर था कहीं हमारी मोहब्बत उन्हें बदनाम ना कर दे। अब निगाहों ने दिल को ऐसी दस्तक दी कि ताउम्र हम उसके बादशाह बनने जा रहे हैं और वो हमारी हुस्न मलिका। खैर छोड़िए, हम बताते ना आपको हमारे मोहब्बत का राज, हमारा और सकीना का किस्सा। सकीना नाम सुनते ही सुकून सा आ जाता है। सकीना से सुकून, वो होता है ना सच्ची मोहब्बत जिसका सुकून एकदम रूह तक उतर जाए। अब मुलाकात हुई चचा जान के टी स्टॉल पर हुई थी। उस दिन हमने पहली बार अपनी सकीना को देखा था। ये हम, ये हमारी सकीना। अब नजर से नजर मिली पहली बार तो हम भी चचा जान को मुड़कर एक शेर अर्ज कर ही दिए कि निगाहों ही निगाहों में आप दिल ले गए। कुछ ना कहा और यूं कमाल कर गए। सोचते ही रह गए हम उस हसीन पल को। निगाहों से ना जाने आप क्या कुछ कहें। अब हम अपने निकाह का शेरवानी दिखाएं। ये देखिए हमने अपने निकाह के लिए बनवाया। रुकिए आपको पहन के दिखाते हैं। कैसे लग रहे हो सकीना? खुश हो जाएंगी ना देखते हैं हमें। हाँ तो हम कहाँ थे? नजर पे थे। एक नजर सकीना का मुझे दीवानगी की परवान पर इस कदर चढ़ा देगा कि मुझे यकीन ही नहीं था उसका आना और मेरे दिल को धड़काना। ये रोज का किस्सा हो गया। एक दिन तो उन्हें भी अपने चेहरों की शर्म हया आता है और शौके मुस्कुराते चल। अब मुस्कुराई तो इश्क का परवा और सिर पर चढ़ गया। अब रोजाना नजरों से नजरें मिलती, नजरों से ही दिले हया बयान होते। मुस्कुराटों का जवाब लफ्जों से था लेकिन कभी जुगलबंदी उसकी हुई नहीं। और फिर वो समय भी आया, उन्होंने अपने लफ्ज खोले और हमने हमारी चुप्पी तोड़ी। बातों का सिलसिला आवाजी की पैमान पर इस तरह चढ़ा कि हमारे घर वालों को हमारे मोहब्बत की भनक लगी और उनके वालिद ने हमें अपने घर बुलाया। और हमारा निकाह तय कर दिया 29 फरवरी 2002 हमारा निकाह। और आज आज हमारा निकाह है। बस यही हमारी छोटी सी मोहब्बत की किस्सा हमारा और सकीना का। Thank you.
हेलो सकीना जी, जी अमीना चाची जी, सकीना है घर पे? मेकअप करानी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ हुआ नहीं है, आप घबराइए मत, आप घर से मत निकलिएगा बाहर जी। हम सकीना को देखने जा रहे हैं ना? नहीं नहीं, आप घबराइए मत जी 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 जी। आफ्ताब शिकिल, तुम दोनों ना घर के अंदर ही रहना जब तक हम ना आए। दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, हम जा रहे हैं अपने सकीना को देख के आते हैं, ठीक है? हाथ जोड़कर भीख मांगती लाशें,
जहां बाजार में बिकता हुआ बाजार में जिसमें खाक में लिपटे हुए खून में नहलाए हुए जिसमें निकले हुए अभिराज के तंदूरों से पीप बहती हुई गलते हुए नासुरों से कश्मीर में यमन में इसराइल में सऊदी में वो जगह जहां इंसानियत हुई है वहां शरीर भर जाता है लेकिन रूह जिंदा रहती है।